बरेली की आंवला पुलिस ने अफीम तस्करी में एक ही परिवार के चार लोगों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों की अफीम बरामद की गई है। बताया गया है कि कई जनपदों में ये लोग अफीम सप्लाई करते थे। आंवला पुलिस ने एक गांव में अफीम और स्मैक बनाकर दिल्ली, नोएडा समेत अन्य जनपदों में सप्लाई करने वाले एक ही परिवार के चार लोगों समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में लाखों की कीमत की स्मैक और अफीम बरामद की गई है। अपना गैंग चलाते थे, कैसे बनाते थे? देखिए, कल दिनांक 19 मार्च 2023 को थाना आंवला स्थित एक ग्राम है लक्ष्मपुर। इस ग्राम में एक व्यक्ति है कल्याण। इसके घर से तकरीबन 440 ग्राम स्मैक, 1 किलो 120 ग्राम अवैध अफीम, कुल 4,50,000 रुपये, 16 किलोग्राम तकरीबन कच्ची अफीम और स्मैक और अवैध अफीम बनाने के उपकरण और सामग्री और रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। ये जो ऑपरेशन है, ये ANTF जो मेरठ यूनिट है और आंवला थाना आंवला स्थानीय पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हमारे पास इनपुट थी कि ये व्यक्ति जो कि ग्राम लक्ष्मपुर का निवासी है, इसके घर में इस तरह की सामग्री हो सकती है। इसमें कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त एक ही परिवार के हैं। कल्याण जो मुख्य अभियुक्त है, वो उसकी पत्नी कमलेश, उसके 2 पुत्र दीपक और नवल और इन्हीं के 2 गांव के रहने वाले हीरालाल और गोविंद, कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और ये काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोफेशनल ढंग से काम करते थे और ऑन डिमांड ये स्मैक और अफीम बनाने का काम करते थे और इसकी सप्लाई ये प्रदेश के बाहर भी दिल्ली, सहारनपुर, चंडीगढ़ इन स्थानों पर करते थे। और रॉ मटेरियल, जैसा कि अभियुक्तों की पूछताछ में बताया गया, ये झारखंड से मंगाते थे और काफ़ी बड़े स्केल पर ये काम कर रहे थे और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तहत ये काम कर रहे थे। हर तरह के इक्विपमेंट, हर तरह के रॉ मटेरियल और केमिकल्स जो कि स्मैक और अफीम बनाने में चाहिए होते हैं, सभी उन चीज़ों की बरामदगी इनके घर से हुई है। तो क्या ये पूरा जो बनाने की फैक्ट्री थी, ये घर में ही चला रहे थे कि कहीं और? जी, ये अपने घर के परिसर के अंदर ही ये फैक्ट्री चला रहे थे और जो भी सारे इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, गैस चूल्हा और इस तरह की तमाम चीज़ें बरामद हुई, इनके घर के परिसर के अंदर से ही बरामद हुई। कितने लंबे टाइम से ये काम कर रहे थे, क्या बताया है उन्होंने? जो अभी उन्होंने इनिशियल पूछताछ में बताया है, ये करीबन 2 महीना बता रहे हैं कि 2 महीने से इस काम को ये कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जाँच का विषय है कि ये कितने समय से काम कर रहे थे और भी इसमें लिंक्स खोजे जाएंगे, कहाँ से ये सामान मंगाते थे, कहाँ बेचते थे, उससे और चीज़ें स्पष्ट होगी कि कितने लंबे समय से और कितनी बड़ी स्केल पर ये काम कर रहे थे।